हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम अपना एक स्केचअप में बेस कैसे बना सकते हैं, मतलब एक प्लेन कैसे तैयार कर सकते हैं जो नीचे का बेस बोला जाता है, जिसको 3D मॉडल्स में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फट से कि क्या होता है। तो इसका सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है स्केचअप में एक। हम कोई भी चीज़ जब क्रिएट करते हैं, मतलब तो हमें सबसे पहला बेस चाहिए होता है उसके नीचे का, कि हम एक बेस कैसा स्टेज के लिए जो भी रहेगा, तो आपको पहले ज़मीन चाहिए होती है, प्लेन सरफेस चाहिए होता है, वो कैसे क्रिएट करते हैं हमने ये प्रीवियस में सीखा है। ठीक है, तो हमने कैसे उसको सीखा था, सबसे पहले हम स्केचअप ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर चूज टेम्पलेट में जाएंगे, फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन सिंपल टेम्पलेट यूज़ करेंगे, तो कुछ इस तरीके का बन के आएगा ह्यूमन बॉडी। अब एक चीज़, ठीक, चलिए देखते हैं स्केचअप में क्या होता है। स्केचअप में हम जो भी कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जो भी ड्रॉ करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे आप वो सरफेस ड्रॉ कर रहे हों, चाहे आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हों, वो उसे एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा, वो उसको ऑब्जेक्ट ही बोलेगा, राइट। फिर हमने क्या देखा इसमें कि हम कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। हाइडिंग के लिए क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे, बाद में हम एडिट में जाएंगे, फिर वहाँ पे हाइड का ऑप्शन होगा, हाइड में जाके उसे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगी, ताकि हम अपना बेस तैयार कर सकें, हमारा जो प्लेन है वो तैयार कर सकें, राइट। हमारा प्लेन, ताकि हम अपना प्लेन तैयार कर सकते हैं उसे हाइड करके। फिर हम प्लेन कैसे तैयार कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल, हम अपना प्लेन तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर, हम ये दो टूल यूज़ करते हैं। हम स्क्वायर टूल से नीचे का प्लेन तैयार करते हैं, मतलब नीचे के सरफेस तैयार कर सकते हैं, और हम सर्कल से क्या करेंगे, सर्कल से हम उसका पिलर देंगे कॉमन चारों कॉर्नर में, ताकि हम वो खड़ा हो सकें। राइट, फिर हमने जब सर्कल ले लिया, तो फिर सर्कल के जो साइड में हिस्से हैं, मतलब जो बाहर के हैं, जो रेक्टेंगल के बाहर के जो स्पेस हैं, जो सर्कल बचे हैं, हम उन्हें सिलेक्ट करके हम उन्हें हाइड कर देंगे, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं, हमें खाली अंदर का जो पिलर है, हमें अंदर से पिलर चाहिए, हम बाहर के पिलर्स में क्या करेंगे खड़ा होकर, जमीन के बाहर तो आप पिलर नहीं बना सकते ना, इसकी वजह से। फिर हमने क्या देखा इसमें कि स्केचअप फाइल किस से सेव होती है, स्केचअप फाइल हमेशा .skp फाइल से ही सेव होती है, किससे, .skp, skp स्टैंड्स फॉर स्केचअप मॉडल, स्केचअप मॉडल। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जैसा कि हमने मैंने बोला था आपको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, चलें वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू क्रिएट अ स्क्वायर प्लेन। अब हमें स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आप रेक्टेंगल टूल तो यूज़ करेंगे नहीं, उसमें सर्कल टूल से सर्कल बनेगा, रेक्टेंगल और सिलेक्ट टूल तो हम उसे मूव करने के लिए, उसे हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, अनहाइड नहीं, हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, स्क्वायर टूल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन फॉर द सेव स्केचअप फाइल, स्केचअप मेक फाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्केचअप फाइल कौन से एक्सटेंशन से सेव होती है, GSK नहीं, GUP नहीं, SUP नहीं, .skp स्टैंड्स फॉर स्केचअप मॉडल, राइट। स्केचअप मॉडल जैसा मैंने बताया था, देखिए .skp, अब नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मेन्यू अंडर विच द अनहाइड ऑप्शन इज अवेलेबल। तो हमारा हाइड और अनहाइड ऑप्शन कौन से मेन्यू के अंदर अवेलेबल है, टूल्स मेन्यू के अंदर, टूल्स होते हैं व्यूज के अंदर, हम उसे देख सकते हैं कि हर एंगल से कैसा दिख रहा है, एडिट मेन्यू की फाइल मेन्यू में सेव एज, ये सब ऑप्शन होते हैं, तो एडिट मेन्यू में हमारा ये ऑप्शन होता है हाइड और अनहाइड का, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट ये वाला जो ऑप्शन है ये एडिट के अंदर ही आता है।
चलिए नेक्स्ट। टू यूज़ द रेक्टेंगल टूल यू कैन ऑल्सो प्रेस द फॉलोइंग की। हाँ, ये शॉर्टकट है, रेक्टेंगल टी का शॉर्टकट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि क्या होता है। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से आर टाइप करिए और वो रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सर्कल के लिए सी टाइप करिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी टू और थ्री डायमेंशन फिगर इन स्केचअप मॉडल इज नोन एज, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था और मैं अभी भी मैंने रिवीजन के टाइम पे बताया कि स्केचअप मॉडल में हम जो भी ड्रॉ करें, 2D, 3D या जो भी, वो उसे एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा, ठीक है, वो उसे ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा, ना कि आपका सर्कल और ये ना वो, बाकी कुछ नहीं ट्रीट करेगा, वो उसको ऑब्जेक्ट ही बोला जाएगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट है। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। When you open the SketchUp model, make window plane appears. जब हम आप एक SketchUp model open करते हैं तो क्या हमें plane पहले से बनाया मिला होता है? नहीं, वहाँ पे हमें human body देता है, human figure या ये human object देता है, तो ये क्या हो गया? False. Any two or three dimension figure you draw in SketchUp model is called an object. True. मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी draw करेंगे आप 2D, 3D, मैंने आपको अभी बताया था आप जो भी draw करेंगे 2D, 3D SketchUp में, वो हमेशा object ही treat करेगा, उसको object ही बोला जाएगा। चलिए देखते हैं next. If you want to create a stage layout, you must give the base. जाहिर सी बात है, हमें कोई भी मॉडल क्रिएट करना है तो हमें उसके पहले उसे बेस देना पड़ेगा, तो ये ट्रू होगा। In order to hide an object, you must first deselect से डिसलेक्टेड, नहीं, हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ता है ना कि डिसलेक्ट, तो ये क्या होगा? फॉल्स। To save the option, save option is available in the file menu. True. सेव का ऑप्शन है तो ट्रू, इसमें ही फाइल के ऑप्शन में ही अवेलेबल होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वेयर डू वी यूज एन स्केचअप मेकअप, स्केचअप मॉडल हम किस लिए यूज करते हैं? स्केचअप मॉडल हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे हम 2D और 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए हम स्केचअप मॉडल यूज करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, वी यूज स्केचअप मेक टू क्रिएट We use SketchUp model to create two and three dimension two-dimensional model. चलिए लिखे, मैं रिपीट कर रहा हूं। We use SketchUp make to create two and three dimensional models. We use SketchUp makes to create two and three dimensional models. हो गया ये? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। What tool we use to draw a plane to start a building of your model? हम क्या करते हैं फर्स्ट, कोई भी मतलब हमें पहला बेस तैयार करना पड़ेगा, बराबर, बेस मतलब उसका प्लेन तैयार करना पड़ेगा। तो हम प्लेन किस लिए क्या करते हैं, पहला किस तरीके से कर पाएंगे देखते हैं। कौन सा दो टूल यूज करते हैं हम? सबसे पहला द रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल्स आर यूज
टू क्रिएट प्लेन टू स्टार्ट बिल्डिंग मॉडल्स. मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए. द रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल्स आर यूज टू क्रिएट प्लेन्स टू स्टार्ट बिल्डिंग मॉडल्स. ठीक है, हम रेक्टेंगल और सर्कल दो टूल यूज करते हैं. रेक्टेंगल हम उसका प्लेन बनाते हैं वहां पे, और सर्कल किस लिए यूज करते हैं, उसका पिलर बनाने के लिए, या एज वेल एज आपको अगर सर्कुलर प्लेन चाहिए या एज वेल आपको सर्कुलर प्लेन चाहिए तो ये उस चीज के लिए यूज होता है. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चलते हैं. व्हाई वुड यू हाइड एन ऑब्जेक्ट? हम कोई भी ऑब्जेक्ट हाइड क्यों करते हैं? तो हम हाइड ऑप्शन क्यों यूज करते हैं? वी यूज हाइड ऑब्जेक्ट टू मेक अ स्पेस या कंफर्टेबल स्पेस, कंफर्टेबल स्पेस टू क्रिएट अ प्लेन, टू क्रिएट अ प्लेन. ठीक है, हम हाइड ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम हाइड ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम स्पेस बना सके कंफर्टेबल अपने लिए, ताकि हम वहां पे नीचे पहला बेस दे पाए. ठीक है, हम इसलिए ये यूज करते हैं. चलिए अब मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप फिर से लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ. वी यूज एंड हाइड ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंफर्टेबल स्पेस टू क्रिएट अ प्लेन. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ डू यू क्रिएट अ प्लेन? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा आपके लिए. ठीक है, तो स्पेस है तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, मैं आपको रिपीट भी करूंगा, थोड़ा सा यहां लिख दूंगा, थोड़ा यहां मैं भर दूंगा फिलहाल. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मैं बोलते हुए लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाइए साथ साथ में. रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल्स आर यूज टू क्रिएट प्लेन. ये रेक्टेंगल और सर्कुलर टूल दोनों यूज होता है प्लेन बनाने के लिए, नीचे का बेस तैयार करने के लिए, राइट? अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं, हम कैसे बनाएंगे इसको. फर्स्ट सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल फ्रॉम टूल बार पे. प्लेस द कर्सर वेयर वी वॉन्ट टू स्टार्ट ड्रॉइंग द प्लेन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे, फिर हम वहां लेके जाएंगे और पुट करेंगे जहां से हमें प्लेन ड्रॉ करना है. फिर क्या करेंगे, हम ड्रैग द माउस टू क्रिएट अ रेक्टेंगल. ठीक है, हम वहां पे प्लेस करेंगे और ड्रैग करेंगे, हमें जहां तक चाहिए वहां तक रेक्टेंगल बनेगा. ये तो हमारा बन गया रेक्टेंगल. अब हम क्या करेंगे, उसका पिलर बनाएंगे. तो लिखिए टू क्रिएट द पिलर एट द फोर कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल
फोर कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल वी यूज सर्कल टूल एंड पुट द कर्सर एट एवरी कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल एंड ड्रैग अ माउस टू क्रिएट अ सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चारों कॉर्नर पे हमारा जो रेक्टेंगल है उसके चारों कॉर्नर पे हम एक एक करके सर्कल बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले ईच कॉर्नर पे माउस ड्रैग करके एक सर्कल बनाएंगे, फिर वही रिपीट करेंगे हम बाकी के थ्री कॉर्नर्स पे। फिर क्या करेंगे देखें, देन सिलेक्ट द सर्कल, देन सिलेक्ट then select the extra circle area which is outside from the rectangle, from the outside rectangle and hide it। तो ये ठीक है, फिर जैसे ही आप हाइड करेंगे आपको एक आपका बेस मिल जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो चले मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आप लिख लीजिए, क्लियर तो हो ही हो गया होगा आपको। चले देखें, रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल आर यूज टू क्रिएट अ प्लेन। लिखे रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल आर यूज टू क्रिएट अ प्लेन। फर्स्ट सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल फ्रॉम द टूल बार, place the cursor where you want to start drawing the plane। तो आप उसे वहां रखेंगे जहां से आपको start करना है, फिर आप उसे drag करेंगे, drag the mouse to create a rectangle। जैसे आप उसे drag करेंगे आपका rectangle बन गया, अभी आपका rectangle बन गया, बट हमें अभी pillar बनाना, तो pillar के लिए क्या करेंगे, to create a pillar at the four corner of the rectangle we use a circle tool। फिर आप circle tool select करेंगे, then put the cursor at every corner of the rectangle and drag a mouse to create a circle। फिर हम क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे। ये जो रेक्टेंगल है इसके चारों कोने पे हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, then select the extra circle which is outside from the rectangle। फिर आपके जो रेक्टेंगल के जो आउटसाइड है ना, जो एक्स्ट्रा सर्कल होगा आप उसे सिलेक्ट करेंगे एंड हाइड करेंगे, देन हाइड इट। जैसे आप उसे हाइड करेंगे आपका एक बेस तैयार होकर मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने इस पे, और आप फिर मुझे बुक का फोटो खींच के आप मुझे ग्रुप में देंगे, आप इमेज देंगे मुझे, आप पीडीएफ फॉर्म में देंगे, आपका जैसे मन चाहे वैसे देंगे, बट आप मुझे देंगे करके। ठीक है, जो हमारा लैब क्वेश्चन है ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। तो फिर हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें ये स्टार्ट करने वाले हैं, डिजाइनिंग 3D ऑब्जेक्ट की। हमने तो इसमें खाली बेस बनाया है फर्स्ट में, अब हम देखेंगे उसको हम 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ईजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।